किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैसे मैं आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग जानकारी देता हूं, आज वैसे ही मल्टीप्लायर तकनीक से गन्ने की फसल में आप पहली ही बार में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इन सभी विषयों पर मैं आपको जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक जो गन्ना की फसल है उसमें आप हर वर्ष बहुत ज़्यादा उर्वरक उपयोग करते हैं, बहुत सारा कीटनाशक उपयोग करते हैं, जो तना छेदक या इल्ली नाशक बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसके बाद भी वो उत्पादन नहीं मिल पाता, वो गन्ने का साइज नहीं मिल पाता, वो वज़न नहीं मिल पाता गन्ने का जिससे कि आपको लाभ मिल सके। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन आपका लाभ कम हो रहा है। किसान भाइयों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप आखिर समय तक देख लेंगे तो वीडियो के माध्यम से जो मैंने फसल की फ़ोटोज़ और कुछ वीडियो शेयर किए हैं उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि मल्टीप्लायर तकनीक से अगर आप खेती करते हैं तो आपको वो हर चीज़ मिल सकती है जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप गन्ने की फसल में कुछ किसान भाई हैं जो 2 साल तक ही कर पाते हैं, कुछ किसान भाई 4-5 साल तक कर पाते हैं, लेकिन गन्ने की एक बार बुआई करने के बाद कुछ किसान हैं जो 7 वर्षों तक भी उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन ये किसान कौन है, आइए हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने शुरू में कुछ 2 वीडियो की लिंक देखा जिसमें किसान भाई ने मल्टीप्लायर तकनीक के साथ में गन्ने की खेती की है और साथ ही उसमें मूँगफली की खेती की है। उसके बाद एक वीडियो और देखा जिसमें किसान भाई ने वीडियो के माध्यम ही बताने का प्रयास किया है कि वो फसल बहुत अच्छी है और उसमें मल्टीप्लायर तकनीक का स्प्रे किया गया है और क्लियर के साथ में और ज़मीन से भी दिया गया है खाद के साथ में। किसान भाइयों, आप ये फसलें देख रहे हैं, आप इसकी ग्रोथ, इसकी क्वालिटी और जो इसमें चमक है, ये फसल पूरी तरह से रोग मुक्त और कीट मुक्त है, ये सभी संभव हो पाया है केवल मल्टीप्लायर तकनीक के हिसाब से। लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं और अपने जो रासायनिक खाद के खर्चे हैं उनको भी कम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने फसल को और अपने वातावरण को विषमुक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है, आइए हम बताते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप गन्ने की फसल में साल भर में 2 से 3 बार उर्वरक का उपयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार सिंचाई का भी उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो साल भर में आपको 12 महीने की फसल में आपको कम से कम 3 बार मल्टीप्लायर देना है, 2 किलो एक बार, 2 किलो एक बार और 2 किलो एक बार, इस तरह से 3 बार देना है। ये 2 किलो मल्टीप्लायर आप सिंचाई के माध्यम से बहते हुए पानी के साथ दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं या जो आप यूरिया या जो दूसरे उर्वरक दे रहे हैं उसी के साथ मिला करके आप दे रहे हैं। जो किसान भाई 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो किसी भी खाद के साथ जैसे बर्मी कंपोस्ट है या जो भी गोबर खाद है उसके साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, ये 100% ऑर्गेनिक है इसलिए किसी तरह से भी नुकसान नहीं करेगा। आप ज़मीन से दे चुके हैं मल्टीप्लायर तकनीक को, अब इसके बाद 3 बार ज़मीन से दे दिया, 2-2 किलो मल्टीप्लायर के हिसाब से, एक एकड़ के हिसाब से, अब स्प्रे का बारी आती है। जब आप स्प्रे करते हैं तो आपको 1 किलो मल्टीप्लायर पूरे साल भर में स्प्रे करना है। 1 किलो मल्टीप्लायर को आप 4 से 5 बार में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे महीने में 2 बार या 1 महीने में 4 बार स्प्रे कर सकते हैं लगातार, 2 महीने में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से शुरुआत में अगर आपने 4 से 5 बार या 6 बार स्प्रे कर लिया लगातार तो आपकी फसल में कोई भी रोग कीड़े आने के जो चांसेस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इस तरह से इसमें जो उत्पादन की वृद्धि है, जैसे कि कोई किसान भाई 60 टन पर एकड़ उत्पादन ले रहे हैं तो मैं ये बहुत विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आप उसमें 10 से 15 टन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और ये उत्पादन हर वर्ष अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक से कर रहे हैं तो ये उत्पादन बढ़ता जाएगा। किसान भाइयों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि आप जो खेती करते हैं क्या उसमें लागत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोगनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं मगर खर्च बहुत सारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बहुत सारे खर्चे कम भी होंगे, आपके रासायनिक फर्टिलाइज़र जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं उसके जो नुकसानदेह तत्व हैं उनको जो ज़मीन को प्रभावित करते हैं, आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उस समस्याओं से भी सुलझने का काम करेंगे और साथ ही साथ पौधों की अच्छी ग्रोथ, उनकी जड़ों की ज़मीन तक अच्छी गहराई तक जाने का काम, पौधों की मिट्टी का उर्वरा जो है मिट्टी को उर्वरा युक्त बनाना,
मिट्टी को भुरभुरा बनाना, मिट्टी में ऑक्सीजन की उपलब्धि को बरकरार रखना या ज़्यादा उपलब्ध कराना, ये सभी काम मल्टीप्लायर तकनीक करता है। किसान भाइयों, इसी तरह से मैं सिद्ध करता हूँ कि आप मल्टीप्लायर तकनीक के माध्यम से अपनी फसल में एक एकड़ में 10 से 15 टन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये मैंने कई किसान भाइयों के साथ स्वयं का अनुभव लिया हुआ है और मैंने कई सारे किसान भाइयों का फसल को एक साथ इस वीडियो के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से लाने का, दिखाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और दिए गए नंबर पर मल्टीप्लायर की तकनीक जानकारी लिए संपर्क कर सकते हैं। इसे अपने यहाँ मंगवा सकते हैं और कुछ क्षेत्र में आप इसको उपयोग करके, दिए गए शेड्यूल के माध्यम से इसका उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।